तो लीजिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और बेहतरीन आइटम। जी हाँ, सुपर मार्केट। तो काफी बड़ा बॉक्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, रैक बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, ट्रॉली भी शायद इसके अंदर है, कैश रजिस्टर भी है और बहुत सारा सामान भी है। बिना किसी देरी के जल्दी से इसे ओपन करते हैं, सामान को बाहर निकालते हैं, सुपर मार्केट को बनाते हैं और देखते हैं फाइनली क्या बनता है, कैसा बनता है, क्वालिटी कैसी है, सभी चीजें देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ गेम्स एक्सपेरिमेंट के अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों यार, मटेरियल बाहर निकल चुका है, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। एक जो पैकेट है जिसके अंदर बहुत सारे स्टिकर वगैरह है, पैसे वगैरह इसके अंदर है, इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह, ये जो है अपना कैश रजिस्टर है, ये अपना कुछ ट्रॉली का सामान है और बाकी जो रैक्स वगैरह हैं उससे हमारा जो सुपर मार्केट का रैक है वो बनने वाला है। बिना किसी देरी के अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारे बॉक्सेस जो यहाँ पे हमें मिले थे, जल्दी से सामान को सुपरमार्केट में सजा देते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बॉक्स है भैया, ये है कॉफी का बॉक्स, ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश कॉफी आप बना सकते हो, उसे यहाँ रख देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ब्रेड का बॉक्स भी हमको मिलता है, काफी अच्छा है। ओके, ब्रेड हम नीचे रख देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फ्रूट मिल्क, वाओ फ्रूट मिल्क का भी बॉक्स है, ऐसे मैं यहाँ रख देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे आप देखेंगे लॉलीपॉप्स का भी बॉक्स हमको देखने को मिल जाता है, तो इसको यहाँ पे नीचे रख देता हूँ इसको मैं। ओके, तो यहाँ पे देखने में चॉकलेट ब्राउनी जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, चॉकलेट का बॉक्स, ये आ जाएगा कॉफ़ी के साथ में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओट्स, सीरियल ओट्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं, इसको हम रख देते हैं कुछ यहाँ पे। ओके, कुछ बिस्किट्स भी हैं यहाँ पे, इसको हम रख देते हैं कुछ ये इसके पीछे रख देता हूँ फिलहाल में, बाद में सेट कर देंगे अच्छे से। और कैंडीज स्वीट्स का भी एक बॉक्स है। तो यार काफ़ी मज़ा आ रहा है, हर एक तरह के यहाँ पे बॉक्स हमको देखने को मिल जाते हैं। मिल्क बॉटल भी हमको यहाँ पे मिल जाती है एक, वाओ इसको ऊपर की तरफ रख देते हैं। और ओके, चीज भी है, तो चीज यहाँ रख देता हूँ मैं थोड़ा इधर। ओह, केन, एप्पल जूस का केन भी यहाँ पे हमको दिया गया है, इसको यहाँ रख देते हैं। और ये क्या है भाई, ऐसे लग रहा है नारियल के तेल के शीशे में पाइनएप्पल जूस डाल दिया है उन्होंने, फिलहाल यहाँ पे तो पाइनएप्पल जूस ही लिखा हुआ है। तो बड़ी कूल सी बोतल है, इसको ऊपर रख देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और दोस्तों यार ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार है, ये है एग ट्रे, और इसे तो एक बार खोल के दिखाना बनता है। अरे यार, इनकी शेप भी बिल्कुल एग की जैसी है यार, और प्लास्टिक के, और देखोगे आप ये फूटेंगे नहीं भाई, वाले एग नहीं है कि मतलब फोड़ के आपने, बट फिर भी खेलने के लिए यार काफ़ी अच्छे है। और इसकी ट्रे भी, इसमें लॉक भी है, ये ऐसे लॉक हो जाता है और इसे आप कुछ इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं, तो बहुत ही कूल लग रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा सुपरमार्केट का कैश रजिस्टर, और इसके अंदर जो है कैश वगैरह आप रख सकते हो, कॉइन्स रख सकते हो। और ये है इसका डैशबोर्ड, आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आपको यूज़ करना है। सिंपली देखिए यहाँ पे क्या है, जो रेट है ना गाजर मूली सामान का सब इसमें है। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रेस किया तो टमाटर का रेट आ गया $25, ये आ गया है ग्रीन एप्पल का रेट $10। तो आप कुछ इस तरह से खेल सकते हैं, ये प्रेस किया रेट आया, ये मैंने ऐड किया, ये मैंने फिर से दबाया ये ऐड किया,
इसलिए मैंने दबाया, फिर से ऐड किया। तो ऐसे करके भैया टोटल रेट जो भी है आप प्रिटेंट प्ले कर सकते हो। तो इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है और बहुत ही क्यूट सा है, प्यारा सा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों कैश रजिस्टर है तो आपको पता है बारकोड स्कैनर भी भैया हो गई, तो काफ़ी अच्छा है और भारी भी है और यहाँ पे एक साउंड आता है जब भी हम स्कैन करते हैं, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक प्रोडक्ट है तो यहाँ पे इन्होंने क्या है कि यहाँ पे साइड में बारकोड दिया है, तो आप जो है उसको स्कैन कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा कूल लगने वाला है। और जो सामान आप बारकोड में स्कैन नहीं कर सकते जैसे फ्रूट वगैरह है, उसके लिए यहाँ पे हमको एक बैलेंस भी दिया गया है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रेस होता है और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि बैलेंस लिखा हुआ है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा मिल जाती है। ओके, यहाँ पे हमको दो ट्रे मिल जाती है सब्जियों के लिए और ट्रे यार काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ भैया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ब्लूबेरी है, इसको यहाँ रख देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये है ग्रीन एप्पल, ओके, ये रेड कैप्सिकम, ओके, ग्रीन कैप्सिकम, अरे वाह। और क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, सभी मटेरियल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये है ऑरेंज, और अरे ये क्या है भाई, यार मैंने तो इसे आज तक खाया नहीं, शेफ ही इसका कुछ अजीब सा है। अगर आप में से किसी को पता है इसका नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर लिखना, मैं तो यहाँ रख देता हूँ फिलहाल। और एक हमको गाजर भी मिल जाती है, ओके गाजर यहाँ पे आ गई। और ये है कॉर्न, तो इसको भी यहाँ रख देते। तो सब्जियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, और भी पर्सनली आप इसमें लगा सकते हो क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह दिख रहा होगा। तो फाइनली जो है सामान भी यहाँ पे लग चुका है, मज़ा आ रहा है देखते हुए सुपर मार्केट को। तो चलिए करते हैं अब कुछ प्रिटेंट प्ले। सिटी में एक नया सुपरमार्केट खुला है, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या आइटम्स हैं नए नए। बाकी सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, रेट्स भी लिखे हुए हैं और आइटम्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। एप्पल जूस ले लेते हैं, और हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स चीज भी ले लेते हैं। ओ स्वीट्स, ये बहुत अच्छा लगेगा सबको, ये भी रख लेते हैं। इस रैक में देखें थोड़ा चॉकलेट सिरप, यम्मी, ये तो डालना बनता ही है। एग्स, एग्स का रेट भी ठीक ठाक है सुपरमार्केट में, इसलिए इसे ले लेते हैं। और एग और ब्रेड ना हो ऐसा कैसे, तो चलो ब्रेड भी रख लेते हैं। ओ हाँ मिल्क तो आज खत्म ही हो गया था, तो दूध का एक बॉटल रख लेते हैं। अब थोड़ा सा फ्रेश ग्रॉसरी भी देख लेते हैं, क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। ओ वाओ, इतनी फ्रेश और ग्रीन वेजिटेबल्स। दो बेल पेपर ले लेते हैं जिससे हम मस्त चीज़ी मैक्रोनी बनाएंगे। और हाँ कैरेट तो बहुत यम लगेगी। आई थिंक सब ले लिया है हमने, चलो इसके चल के बिलिंग करवा लेते हैं। लाइए मैडम जल्दी सामान लाइए, बहुत भीड़ है। ओके, इतना सामान ले लिया आपने ट्रॉली में, तो जल्दी से बिलिंग कर देते हैं इसकी, सामान बाहर निकालना पड़ेगा यार। ओके कोई नहीं, काउंटर पे लगा देते हैं। ओके, सबसे पहले ब्रेड का बिल काटते हैं, स्कैन कोड। ओके, ब्रेड का कट चुका है, चॉकलेट का देख लेते हैं अब कहाँ है स्कैन कोड। ओके ये रहा, ओके एप्पल जूस कट गया, चीज भी लिया है, ओके स्वीट्स बारकोड ये रहा, ओके ये भी हो गया है। मिल्क तो मैम वैसे ही आपको 10 रुपये बोतल लग जाता है, और एग का फ्लैट रेट है, 30 रुपये की ये ट्रे है, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। बाकी मैडम ये जो आपके हैं इन्हें तोलना पड़ेगा, तो जल्दी से एक बार वेट मशीन में चलते हैं और फिर मैं आपको जो है बिल काट के देता हूँ। तो मैडम आपके तीन सब्जियाँ थी, जल्दी से उन्हें भी तोल लेते हैं। ओके रेड शिमला मिर्च, ओके एक पाव, ग्रीन शिमला मिर्च, ओके 300 ग्राम, गाजर आपकी सिंगल, गाजर आपकी थी ये कितनी हो गई है, ओके ये भी 300 ग्राम है। तो मैडम जल्दी से मैं बिल कर देता हूँ, कैश रजिस्टर कहाँ है भाई, जल्दी से कैश रजिस्टर लेके आओ, मैडम का बिल करना है। ओके मैडम जल्दी से यार बिलिंग कर देते हैं आपकी, चीज़ एक हो गया, उसके बाद प्लस स्वीट्स हो गया, प्लस ब्रेड हो गया, प्लस चॉकलेट हो गया, मिल्क बोतल एक थी और एप्पल जूस एक, उसके बाद शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और एग ट्रे, प्लस आपकी गाजर होगी। तो मैडम टोटल आपके हो गए 30 रुपये, तो आप 30 रुपये दे दीजिए मुझे। ओके तो मैडम आपने दिए हैं मुझे 25 और 35 रुपये, 5 रुपये मैं आपको चेंज दे देता हूँ, ये लीजिए मैम 5 रुपये चेंज ले लीजिए और दोबारा आते रहना मैम, नई दुकान है अपनी अभी लगाई है, तो आते रहना, सारा सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके बाय बाय।
तो दोस्तों सुपरमार्केट आप सभी लोगों ने देख लिया, होप कि आपको काफी पसंद आया होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो मटेरियल जो है वो मेरे को काफी अच्छा लगा, प्लास्टिक जो है काफी अच्छा है। फिनिश की बात करें तो बहुत ही स्मूथ फिनिश है, कहीं से भी कोई शार्प एज वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। देखिए सुपरमार्केट तो ये है ही, बट इसके साथ में हमको कैश रजिस्टर, एक ये ट्रॉली मिल जाती है, स्कैनर मिल जाता है और एक वेट मशीन भी मिल जाती है। और ट्रॉली ये मतलब छोटी वोटी नहीं है, ये काफ़ी बड़ी ट्रॉली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमें अलग अलग चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपने देखा होगा, इन्होंने ये छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हैं ना, ये काफ़ी अच्छे से बना रखे हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में हमको मिल जाते हैं। साथ ही इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल है, कुछ क्वांटिटी हमें उसकी भी मिल जाती है, तो वो भी हमें यहाँ पे अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही से यहाँ पे दिया गया है। और स्टिकर वगैरह इतने अच्छे से बनाए हैं कि सब कुछ यहाँ पे एक रियल जैसा फील जो है ना वो हमको आता है। ओवरऑल ये कंप्लीट सुपरमार्केट है और प्रिटेंड प्ले के लिए काफ़ी अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगा, देखिए अमेजन के ऊपर जिसका प्राइस है ना वो है 2600 के आसपास और फ्लिपकार्ट में भी ऐसा ही कुछ है 2600-2700। बट अब मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से आप इसे 400-500 रुपए तक सस्ता खरीद सकते हो, बिल्कुल वेरीफाइड है, बिना किसी दिक्कत के आप वहां ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जाना है इंस्टाग्राम के ऊपर और यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है TOYS टॉयज शॉप इंडिया, ये आ चुका है, एक बार आप ढंग से पढ़ सकते हैं VRUX एंटरप्राइज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे बहुत सारे टॉयज एंड गेम्स इन्होंने लगा रखे हैं, ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए, इनके अलावा भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। लगभग अमेजन के ऊपर आपको जो भी टॉयज एंड गेम्स दिखते हैं वो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली, अमेजन के ऊपर जो 20% इनको देना होता है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से परचेज करते हो तो आपका वो 20% के आसपास बच जाता है, जिससे कि हमें जो है काफ़ी फ़ायदा होता है। और आपने देखा ही जो मेरा ये जो सुपरमार्केट था ये लगभग 2600 रुपये का अमेजन में, बट यहाँ से 2100 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी वो ट्रिक, चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये सुपरमार्केट पसंद आया हो, तो यार लाइक जरूर करके जाना और कमेंट भी करना, क्योंकि काफी लोगों को मैं कमेंट में रिप्लाई करता हूँ, हर्ट्स देता हूँ, लाइक भी करता हूँ उनके कमेंट को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।